फैमिली, कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ एक स्पेशल DIY ग्रीन टी फेस मास्क शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ये फेस मास्क बहुत दिन से यूज कर रही हूँ और मेरे स्किन में जो पूरी तरह से एक्ने स्कार्स थे वो पूरी तरह से रिड्यूस हो गया है। तो मैंने सोचा यही बेस्ट टाइम है कि मैं ये स्पेशल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इस खुशी में आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। ग्रीन टी में रहता है बहुत मात्रा में कैटेचिन, मतलब जो एक एंटीबैक्टीरियल है वो एक्ने क्रिएट करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करता है। तो चलिए देख लेते हैं स्पेशल ग्रीन टी फेशियल मास्क बनाते कैसे हैं। इस फेशियल मास्क बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। नंबर 1 ग्रीन टी, ऑब्वियसली ग्रीन टी तो चाहिए। सेकेंड हमें चाहिए लुकवार्म वाटर, मतलब थोड़ा सा गुनगुने पानी। और थर्ड हमें चाहिए हनी। मेनुका हनी हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर मेनुका हनी नहीं है तो आप डाबर का हनी भी यूज़ कर सकते हैं। आपके स्किन में अगर बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्स है तो वो डार्क ब्रीज को अट्रैक्ट करता है, तो इसीलिए आप लोगों के पोर्स और भी ज़्यादा क्लॉग्ड हो जाता है। तो इसके लिए ग्रीन टी एक इफेक्टिव टोनर की तरह काम करता है और आप लोगों के जो क्लॉग्ड पोर्स है उसे वो दूर करता है। तो सबसे पहले आप एक बोल ग्रीन टी लीजिए और उसे ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लीजिए। और आप देख सकते हैं कि ये फाइन पाउडर बन गई है। आप एक छोटा सा कंटेनर लीजिए, उसमें आप ऐड कीजिए 2 टेबलस्पून ऑफ ग्रीन टी फाइन पाउडर। उसमें आप ऐड कीजिए 2 टेबलस्पून ऑफ लुकवार्म वाटर एंड 1 टेबलस्पून ऑफ हनी। कुछ देर में ही आप देखोगे कि ग्रीन टी पूरी तरह से वो वाटर को सोक कर गया है। तो आपको अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके वाटर को ऐड कर लेना है और आप देखोगे कि जब इस तरह का कोई पेस्ट बन जाए तो वो बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आप बार बार देखना चाहते हो, मतलब मुझे आप बार बार देखना चाहते हो, तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में छोटा सा बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कर लेना, नहीं तो आपके पास मेरे कोई भी वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो मेक श्योर कि आपको बेल आइकन जरूर दबाइए। अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करूंगी। मैं यहाँ पर ब्रश का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो अपने हाथों से भी लगा सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इसे मैं 10 से 15 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दूंगी और जब ये सूख जाए तब ठंडे पानी से इसे धो लूंगी। ध्यान रखिए इस मास्क को आपको हमेशा फ्रेशली बनाना है। ऑफकोर्स आप ग्रीन टी फाइन पाउडर को बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस फेशियल मास्क को रिमूव करने के बाद कोई अच्छा सा 100% ऑर्गेनिक टोनर यूज कीजिए, ताकि जो पोर्स खुल गया है वो बिल्कुल बंद हो सके। इस मास्क को आपको वीक में 3 बार, मतलब ऑल्टरनेटिव डे करके कंटिन्यूअसली 45 डेज तक यूज करना है और उसके बाद ही आप एक विजिबल रिजल्ट देख पाओगे, क्योंकि एक्ने स्कार्स कभी भी 1 या 2 बार यूज करने से तुरंत नहीं जाता है, उसे बहुत दिनों तक यूज करना पड़ता है। और ये सारे चीज़ें बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, घर की चीज़ें हैं, इसलिए ये थोड़ा सा लेट से कम करेगा, बट ये आपके स्किन में कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दो, ताकि और भी लोगों को पता चले और भी लोगों का हेल्प हो सके। और मेरे साथ बात करने के लिए, मेरे लाइव अपडेट्स जानने के लिए मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल से सर सुदेशना सोरेन। आई लव यू गाइस। तो मैं मिलती हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मेरे और भी विंटर स्पेशल स्किन केयर वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और मेरे हेयर केयर वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए।